ये क्या है, एक
प्लान है, कैडो फाइटर प्लान है, ठीक है, कैडो फाइटर का प्लान है। अब देखिए इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होगा और इनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है, इसको कहते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में आप ध्यान दीजिए, ये स्टेम, ठीक है, ये क्या है, लीव्स है, और यहाँ पे अंडरग्राउंड क्या होती है, रूट्स होती है, ठीक है, ये क्या है, रूट्स प्रेजेंट है। तो आप देखिए इसमें ट्रू रूट्स प्रेजेंट होती है, ट्रू स्टेम प्रेजेंट होगा और ट्रू लीव प्रेजेंट होगा, ठीक है, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स क्या हो गए, इसमें वर्ड होगा प्रेजेंट हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो लीव लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो लीव लाइन स्ट्रक्चर है इसको कहा जाएगा स्पोरोफिल, ठीक है, क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। और ये जो पूरी प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये जो पूरी प्लांट बॉडी है इसको कहा जाता है स्पोरोफाइट, क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। मैंने अभी बताया आपको जो पेडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी होती है, जो पेडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए स्पोरोफाइट, ठीक है, क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। तो इसको हमने क्या कहा, स्पोरोफाइट, ये कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वही क्या करता है, स्पोर को प्रोड्यूस करता है, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाएगा, स्पोरोफिल, क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो स्पोरोफिल है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम, और बहुत सारे होंगे, एक होंगे तो स्पोरेंजियम, बहुत सारे होंगे तो स्पोरेंजिया, क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरेंजिया में कुछ स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको कहा जाएगा स्पोर, ठीक है, जिनको कहा जाएगा स्पोर, मीन्स इसी स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होता है, स्पोर का डेवलपमेंट होता है, जो कि टू है, मतलब कि डिप्लॉयड इन नेचर होगा। ये प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है, स्पोरोफाइट जो है वो कैसी है, डिप्लॉयड इन नेचर है, ठीक है, डिप्लॉयड इन नेचर है, तो इनमें जो लीफ प्रेजेंट है, जो स्पोरोफाइट प्रेजेंट है वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, इनमें जो स्पोरेंजियम है वो भी डिप्लॉयड होगा, और जो स्पोर प्रेजेंट है इनमें, जो स्पोर डेवलप हो रहा है वो भी क्या होगा, डिप्लॉयड इन नेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख लेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है, सबसे पहले क्या है इनमें, स्पोरोफाइट जो कि क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, स्पोरोफाइट के बाद, ठीक है, स्पोरोफाइट में ये क्या होता है, लीफ लाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहेंगे स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल से क्या फॉर्म होगा, स्पोरेंजिया, क्या बनता है, स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होंगे, तो जो स्पोर प्रोड्यूस हुए, ठीक है, जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं यही क्या करता है, ये जब बस्ट होता है, ठीक है, स्पोरेंजियम क्या होता है, जब बस्ट होता है तो बस्ट होने के बाद उसमें से बहुत सारे स्पोर क्या होते हैं, बाहर आते हैं, जिससे एक नई प्लांट बॉडी, एक नया स्पोरोफाइट प्लांट क्या होता है, टेडोफाइट प्लांट फॉर्म होगा। तो इस तरह से क्या होता है, टेडोफाइट में प्लांट बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस होती है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पोर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो स्पोर फॉर्म हो रहा है, यहाँ से देखिएगा जो स्पोर फॉर्म हो रहा है, इसमें दो तरह के स्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है, दो तरह के स्पोर फॉर्म होते हैं, फर्स्ट इज होमोस्पोरस, ठीक है, होमोस्पोरस, एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोस्पोरस, हाइड्रोस्पोरस, ठीक है। फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट जो स्पोर डेवलप होगा इसको कहेंगे होमोस्पोरस, और जो सेकंड होगा इसको क्या कहेंगे, हेटरोस्पोरस। ध्यान दीजिएगा आपके टर्म पे ध्यान दीजिएगा, होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम, स्पोरस का मतलब क्या हो जाएगा, स्पोर। तो जब सेम टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है, सेम टाइप ऑफ स्पोर क्या होंगे, फॉर्म होंगे, तो ऐसे स्पोर को क्या कहेंगे, होमोस्पोरस। बट हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो मीन्स क्या होंगे, डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट, स्पोरस का मतलब क्या हो जाएगा, स्पोर। जो हेट्रोस्पोर है इसका मतलब होता है कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है, डिफरेंट स्पोर फॉर्म होंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोस्पोर। देखिए यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें दो टाइप के स्पोर फॉर्म होंगे, ठीक है, दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक जो स्पोर होता है वो लार्ज होगा, ठीक है, एक स्पोर जो होता है लार्ज होता है, और दूसरा जो स्पोर होता है वो स्मॉल होगा, ठीक है, यहाँ पे दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, तभी इसको स्पोर कहा गया, एक क्या होता है लार्ज होता है और दूसरा क्या होता है स्मॉल होता है। जो लार्ज स्पोर होता है इसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, और जो लार्ज स्पोर होगा वही फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगी, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट है, अब ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे देखिए जो स्मॉल स्पोर है ये बनाता है मेल गैमेटोफाइट, क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जो कि फॉर्म करता है मेल गैमेट का,
और यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट है, इसको क्या कहेंगे, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम गोनियम, और जो मेल गैमेट है इसको क्या कहेंगे, एम्फीलियम, ठीक है, क्या कहेंगे, एम्फीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेटरोस्पोर में दो तरह के स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, एक होता है लार्ज और दूसरा होता है स्मॉल। जो लार्ज है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है वो स्ट्रक्चर, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो कि क्या करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, इसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि फीमेल के अंदर फॉर्म होगा। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये आर्किगोनियम मतलब कि एग का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अब जो इसमें स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल स्पोर है, ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, इसको कहा जाता है एम्फीलियम। देख लीजिए इसको जो स्पोर है, ठीक है, दो तरह के स्पोर फॉर्म होते हैं, इसमें एक होता है होमोस्पोरस और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोस्पोर। होमोस्पोरस जो होता है वो सेम टाइप के स्पोर फॉर्म करता है, इसमें सेम तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जो हेटरोस्पोरस है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एक लार्ज होगा और दूसरा स्मॉल होगा। जो लार्ज स्पोर होता है, ठीक है, लार्ज स्पोर होगा क्योंकि जो लार्ज होता है, जैसे कि फीमेल्स में या फिर कहीं भी आप केसेस देखो, जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि जो लार्ज स्पोर होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा जो कि आर्किगोनियम से अलग, और यहाँ पे जो स्मॉल स्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है जो कि मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टेडोफाइटा की लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ टेडोफाइटा, इसको नोट कर लीजिए आपको। यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेडोफाइटा, लाइफ साइकिल ऑफ टेडोफाइटा और टेडोफाइट्स, ठीक है ना। देखिए लाइफ साइकिल, यहाँ पे आपने प्लांट बॉडी ये रखी है, ठीक है, प्लांट बॉडी एक बार स्ट्रक्चर बना लो इसका, लाइफ साइकिल को बनाने के लिए मेन प्लांट बॉडी, इसको क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, अभी आपने पढ़ा स्पोरोफाइट, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होगी। और इसके टिप पे क्या होता है, स्ट्रोगोलाई, ठीक है, स्ट्रोगोलाई क्या होता है, क्योंकि जो स्ट्रोगोलाई होता है ये जो स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या बनाता है, स्ट्रोगोलाई बनाता है, वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। और कॉम्पैक्ट होने के बाद देखिए यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, इसको हमने कहा स्पोरोफाइल, और ये जो स्पोरोफाइल है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। और कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे, एक इस तरह से एक कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोगोलाई। और इसके अंदर भी क्या होता है, स्पोर ही होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया है स्ट्रोगोलाई क्या होता है, ये क्या पूरा प्लांट बॉडी है, जिसको हमने कहा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट में जो स्पोरोफिल होते हैं, ठीक है, स्पोरोफिल होते हैं, इस स्पोरोफिल से क्या फॉर्म होता है, इस स्पोरोफिल से क्या फॉर्म होगा, स्पोरेंजिया, ठीक है। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया, अब ये जो स्पोर है वो बाहर आते हैं, कैसे बाहर आएंगे, जब क्या होती है, वॉल रप्चर होती है, स्पोरेंजिया की वॉल क्या होती है, रप्चर होगी, तो सारे स्पोर क्या होते हैं, बाहर आते हैं। जब स्पोर क्या होते हैं, बाहर आते हैं स्पोरेंजिया से, तो ये बनाते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट स्टेज, प्लांट बॉडी में जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है उसको फॉर्म करते हैं, उससे क्या बनता है, गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट जो भी हैप्लॉइड इन नेचर होगा। अब ये जो गैमेटोफाइट है वो किसका फॉर्मेशन करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मेल गैमेट, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको क्या कहेंगे, एम्फीलियम,
ठीक है, एंड फ्रीडम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको क्या कहेंगे, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, क्लियर। एंफीडियम और आर्किगोनियम मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, और एंफीडियम क्या बनाता है, एंथ्रोजोइट का फॉर्मेशन करता है जो कि मेल गैमेट होता है, और ये जो आर्किगोनियम है वो क्या करेगा, एग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, एग का, और यहाँ से आप कह सकते हैं एंथ्रोजोइट या फिर स्पर्म। अब ये जो स्पर्म और एग है, ठीक है, ये जो फीमेल और मेल गैमेट होता है वो आपस में फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके क्या बनाता है, जायगोट, क्या बनाएगा, जायगोट, ठीक है, जायगोट। यहाँ पे देखिए जो गैमेटोफाइट से, ठीक है, गैमेटोफाइट से जो गैमेट बने हैं उसका जो प्लॉइड होता है वो कैसा होगा, एन होगा, मतलब कि हैप्लॉइड होता है क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो एन एन है जब आपस में यहाँ पे फ्यूज होते हैं तो जायगोट बनता है, और जायगोट क्या हो रहा है, यहाँ पे टू एन होगा। अब यहाँ पे जो जायगोट फॉर्म हुआ है, जो जायगोट यहाँ पे फॉर्म होता है, इसी से क्या होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होता है, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। देख लीजिए स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा जिसकी बॉडी क्या होती है, क्लोरोफिल। और ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है ये मैच्योर होकर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। फिर आप फिर से देख लीजिए जब पार्टा की जो लाइफ साइकिल होती है वो स्टार्ट होगी स्पोरोफाइट से, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो क्या होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको क्या कहा जाएगा, स्पोरोफिल। अब ये जो स्पोरोफिल है वो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं, ठीक है, स्पोरेंजिया को बियर करके, और जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं स्पोर, ठीक है, स्पोर। जैसे ही क्या होता है, ये मेच्योर होने के बाद स्पोरेंजिया की वॉल बस्ट होती है, बहुत सारे स्पोर क्या होते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है। बाहर आने के बाद क्या बनाएंगे, एक प्लांट बॉडी बनाएंगे, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, गैमेटोफाइट, ठीक है। ये जो गैमेटोफाइट है इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, गैमेटोफाइट से, ठीक है, जिसकी बॉडी क्या हो जाएगी, जिसकी बॉडी एन हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है, ठीक है, ये जो स्मॉल प्लांट बॉडी दिख रही है इसमें एंथ्रीडियम भी होगा और आपका आर्किगोनियम भी होगा, मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एग का फॉर्मेशन करेगा, और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें देखिए गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो गैमेट है, ठीक है, आपस में फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अब जायगोट जैसे ही फॉर्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे गैमेटोफिटिक स्टेज में, ठीक है, गैमेटोफिटिक स्टेज में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर क्या होती है, फ्यूजन होती है, और फ्यूजन होने के बाद, ठीक है, फ्यूजन होने के बाद जब ये जायगोट बना लेते हैं तो जायगोट बनाने के बाद ये क्या होता है, इससे स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इसी के ऊपर, ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी क्या होता है, इसी के ऊपर क्या होता है, जनरेट हो जाता है, और मैच्योर होकर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जिसमें ट्रू रूट्स होती है, ट्रू लीव्स होगी, और ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सुधा का जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है, जिसमें गैमेटोफिटिक की स्टेज होगी जो कि हैप्लॉइड होती है, और जो स्पोरोफिटिक होती है वो डिप्लॉइड होगी जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है। क्लियर, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।